हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप लोग होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ बिकॉज आज हम लोगों का सरोजनी का प्लान है। रितु मेरा वेट कर रही है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ बिकॉज सुबह जब मैं सो के उठी मेरी तबियत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। स्टमक में पता नहीं अजीब अजीब सा फील हो रहा था, मतलब लूज मोशन नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पर पता नहीं क्या कुछ तो था अजीब सा। लेकिन जब खाना पीना मैंने खा लिया ठीक लगने लगा। कोल्ड हो रखा है, गले में अजीब सा हो रहा था, दर्द हो रहा था, तो सब कुछ अभी नॉर्मल लग रहा था। पहले तो मैंने सोचा प्लान ड्रॉप कर दूँ, बट मेरे चक्कर में वो रुकी हुई थी, तो मैं नहा के फटाफट आके चेंज वेंज कर लिया है। अब मैं चल रही हूँ अपना स्किन केयर जो है वो कर लेती हूँ, डे स्किन केयर। तो मैं आप लोगों से अपने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में कह रही थी कि मैं एक नया टोनर लेके आई हूँ, तो मैं ये लेके आई हूँ डर्माफिक का। तो मेरे को ये टोनर बहुत अच्छा लगा, अभी मैंने केवल एक से दो बार ही यूज़ किया क्योंकि मेरा अभी मिनिमलिस्ट वाला ख़त्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ये लगाना नहीं था। पर मैंने सोचा कि चलो आज जा रही हूँ, इसको लगा के देखती हूँ लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है, पूरे दिन कैसी रहेगी मेरी स्किन। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, पोर्स को ये इमीडिएट क्लोज करता है। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं ऐड नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ बस, क्योंकि मैं अपनी स्किन केयर हमेशा आप लोगों के साथ। फटाफट मैं इसको अपने हाथ पे लेती हूँ, ढक्कन अभी सामने ही है, ये ले लिया मैंने, और इसको फिर मैं साइड रख देती हूँ। मम्मी नीचे नानी से बात कर रही हैं तो आवाज़ आती रहेगी, मैं उनको चुप नहीं करा सकती क्योंकि मम्मियों को कुछ को। मैं अपने फेस पे से फटाफट लगा लेती हूँ, अब वो मेरी ये वीडियो देखे कहेगी तू आने की जगह पे स्किन केयर दिखा रही हूँ। मेरा यही आजकल मैं विटामिन सी सीरम यही यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा मॉइस्चराइजर मैं यही लगा रही हूँ, मुझे विंटर में भी ये काफ़ी अच्छा लगा, समर में भी काफ़ी अच्छा लगा कि आपके स्किन को ऑयली नहीं करता है, चिपचिपी नहीं करता है, बहुत ही अच्छा पूरे दिन आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज करता है। आपको बार बार मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉइस्चराइजर डन, मैं 2 से 3 मिनट का यहाँ पर वेट करूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है वेट करने का। मेरी तबीयत, आपको मेरा फेस लग रहा होगा उतरा उतरा, मेरा सच में फेस मेरा मतलब मन नहीं है इस धूप में कहीं भी जाने का, पर जाना पड़ेगा। ईद आने वाली है, वहाँ के कलेक्शन भी देखनी है कि क्या क्या नए नए कलेक्शन आए हुए हैं। कुछ शॉपिंग कर लूँगी, ऑफिस के पर्पज से भी, वीडियो के पर्पज से भी, कुछ भी नहीं है। और इसमें मैंने नया सनस्क्रीन मंगाया है, ये वाला मिनिमलिस्ट का मैंने मंगाया, अभी तक मैंने इसको एक बार भी ट्राई नहीं किया है। अभी आपके सामने ही इसका पैकेज वैसे खोलूँगी, मतलब थोड़ा सा मैंने इसको हाथ पे लेके देखा था कैसा है कैसा नहीं, टेस्ट टेस्ट तो लेना चाहिए ना कुछ भी नया मंगाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने इसको ऐसे रख दिया था, कल ही आया है और मैंने ये सनस्क्रीन की ले ली और एक बार में पूरी निकल गई, पर कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं इसको ऐसे लूँगी, और मैं कोई भी सनस्क्रीन हमेशा ऐसे ही टैप टैप करके ही लगाती हूँ, मैं इसको ऐसे रब वब करके लूँ कुछ भी ऐसे मैं फेस पे, क्योंकि फेस पे हमें रब नहीं करना चाहिए, आराम से अपनी स्किन को प्यार से हमें ट्रीट करना चाहिए, तभी स्किन हमें प्यार देगी। क्या लाइन बोलूँ मैंने। अब इस सनस्क्रीन का मैं आपको दूंगी शाम को रिव्यू, बिकॉज मैं जो SPF वाली लगाती हूँ उससे पूरे दिन मेरी स्किन बहुत अच्छी लगती है, ग्लोइंग रहती है, कोई भी नहीं कह सकता मैंने फेस पे कुछ भी लगाया हुआ है, वो वाइटनेस नहीं छोड़ती। वैसे तो वाइटनेस ये भी नहीं छोड़ रही है, देखो बिल्कुल सही सी है। ये देखती हूँ कि ऑयल जो है वो फेस पे मेरे आता है या नहीं, बिकॉज उससे मेरे फेस पे इतना भी ऑयल नहीं आता था। इतना मैंने मस्कारा मंगाया है, ये लैक्मी वाला लैस पैराडाइज जो है ये वाला मस्कारा मंगाया है। अब देखती हूँ ये मस्कारा कैसा है, मैं भी फर्स्ट टाइम ये वाला मस्कारा भी अप्लाई कर रही हूँ। पब्लिक को देख के ऐसा लग रहा है मास्क सिर्फ मेरे लिए ही कंपल्सरी हो रहा है, किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा। पूरे 1 घंटे वेट किया मैंने, 1 घंटा नहीं हुआ सर, वो चुप रहा है। जब मैं 12:19 पे तो सरिता भी आती, मैं देखती जा रही है, हमेशा ऐसे ही करती है। अब देख मैंने थोड़ा टाइम पे थी, अब पता है मेरे पास इसका मेट्रो स्टेशन पास पड़ता है इसके घर से, अब मेरे पास से 2 पड़ता है लेकिन ये तो हाँ, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं पता है, तो मैंने वीडियो में बोला भी, मैं तो 3 बजे से मना कर रही हूँ, मैंने मम्मी मेरे
दिया है। तो मम्मी ने कहा चल ठीक है, इधर जा ऑर्डर ले जा, ये ले जा वो ले जा, हाथ पे लगा दिया। तो मैं ऐसे बन करके आ जाती हूँ, मैं बिना लिपस्टिक विपस्टिक के भी आ जाती हूँ। देखिए क्या यूट्यूबर बनी रही है, इसकी वजह से ना हमेशा गलती होती है। दुमी हमने करती सारी गलती क्या, इससे मिलने के बाद हम लोग इतनी बातें करते पीछे हमारे हम लोग बातें करने लगे और जंगपुरा पहुंच गया, खूब मेट्रो भी चला, दिमाग चल जाता है मेरे से बोलती है और मेरा भी दिमाग चलवा देती है उल्टा उल्टा। एटलीस्ट मेरे पास है चलाने के लिए, तू क्या चला, उल्टा चलाती है, मैं जब भी चलाती हूँ सही चलाती हूँ। यह प्यास लग रही है मुझे बहुत तेज़, कितनी मस्त लग रही है ना ये देखो, लड़कियों की तारीफ कर दो फिर अपनी कमियां दिखाने लगेंगी तो और तारीफ करो। आ जाओ मैडम, और क्या वो वाला जो बता रही हूँ ना सी एस वाला जो पहले हमें फिर यहाँ से सी एस जाना पड़ेगा, यानी 3 स्टेशन और सी एस के बाद आई एन में जाना पड़ेगा, 5 स्टेशन और आई एन में, हाँ नहीं हमें यही से ये वाला लाइन मिलेगा, हाँ फिर 5 स्टेशन वहाँ से हो गए, ठीक है। और हमें आपसे पीछे जाएंगे लाजपत नगर, लाजपत नगर अभी तो कह रही वहाँ से चेंज कर देते हैं वहाँ से, तू समझ नहीं रही सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन, इतने स्ट्रगल के बाद यहाँ पे एग्जिट कर लिया, पर इसके चक्कर में रॉक साइड से एग्जिट किया, वापस चल के जाना पड़ेगा। अरे थोड़ा सच बताया कर अपने लोगों को, ये पकड़ पानी की बोतल, गर्मी धूप इतनी ज़्यादा हो रखी है, मैं हमेशा सच बोलती हूँ अपने ऑडियंस से, है ना, मैं हमेशा आप लोगों से सच बोलती हूँ। ये जब से मिली है ये गिरा, देख कुछ ना कुछ काम कर रही है, धूप बहुत है, तुझे पता है मैं कितने उल्टे नहीं को है, हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा। जब हम आते ना तो हम लोग गाड़ी भी वहाँ पार्क करते हैं, आप जब भी आओ गेट नंबर 3 से एग्जिट करो, हमारी तरह गड़बड़ मत करो। हम लोगों ने गेट नंबर 2 से एग्जिट करा है हमने, अब यहाँ से मार्केट में इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, पहली बार तो संडे है, और फिर उसके बाद संडे के साथ साथ अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, लंच टाइम हो चुका है, भूख तो मुझे लगी नहीं है पर ये कुछ नहीं खा के आई है, तो इसको थोड़ा बहुत कुछ खिला देती हूँ पानी वगैरह पी के, फिर शॉपिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि ईद आ गई है, ईद की कलेक्शन देखते हैं कि क्या क्या आया हुआ है नया मार्केट में, बहुत खा के देखते थे कैसा पहला रेस किसी को दे रही है, मिर्च ले मैं भी खाती हूँ, अच्छा है ना। और हल्का फुल्का स्नैक्स खाने के बाद हम लोगों ने मार्केट में एंट्री ली, और एंट्री लेने के साथ ही हम लोगों ने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा ये 30-30 रुपीज़ में हूप्स की कलेक्शन, जहाँ पे बहुत ही अलग अलग स्टाइल के हूप्स है, प्लस उसके साथ ही आपको एंटीक स्टेटमेंट ज्वेलरीज भी मिल रही थी, और मुझे इस तरीके की क्लिप्स बहुत अच्छी लगती जो कि 50 में 3 मिल रही थी। और इस टाइम मार्केट में बेल्ट का ट्रेंड बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे स्टाइल की बेल्ट, जैसे कि ईद आने वाली, ईद के पर्पज से आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज थी, काफी बड़े बड़े झुमकास थे 50-50 रुपीज में, प्लस आप ऐसे चोकर्स भी ले सकते हो 150 रुपीज में। सरोजनी नगर में इस बार मुझे वो संडे वाली भीड़ देखने को नहीं मिली, बहुत ही अच्छी बात थी, बिकॉज कोविड का टाइम है, बहुत ही अच्छे से फॉलो हो रहा था सारी चीज़ें, मास्क वगैरह सब लगा के घूम रहे थे, प्लस भीड़ इसलिए इतनी नहीं मिल रही थी, पहले जो साइड में स्टॉल्स मिलते थे वो स्टॉल सारे अब शॉप के अंदर हो गए हैं। आप जैसे ही मार्केट में एंट्री लोगे, वहाँ पे शॉप नंबर 111 है, वहाँ पे ऐसे आप देखोगे तो सेल लगी हुई थी ड्रेसेस की, जहाँ पे काफ़ी सारी फ्लोरल ड्रेसेस मिल रही थी 3-300 में, और भी सस्ते रेट में आप बार्गेन करके ले सकते थे। प्लस इस बार मार्केट में शेड्स की मुझे बहुत सारी वैरायटी देखने को मिली, बहुत अच्छे से 200-200 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे स्टाइलिश मिल रहे थे, बाकी 100 रुपीज़ तो कॉमन प्राइस है सरोजनी नगर के ग्लासेस का।
एंड यहाँ मैं लड़ नहीं रही थी, बस शेड्स खरीद रही थी। इस बार मैंने कुछ इस तरीके का नया ट्राई किया था, कार्गो कैप्रीज लेने का। बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था, बहुत ही कंफर्टेबल था। मैं लेके आई 150 रुपीज़ में, ये पूरा स्टॉल लगा हुआ था, बहुत अच्छा। वहाँ पे ऐसे काफ्तान टॉप्स भी मिल रहे थे 100 रुपीज़ में। सरोजनी में इस समर आपको डेनिम में भी काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिलेगी, शॉर्ट्स हो गए, आपकी स्कर्ट्स हो गए या फिर ट्राउजर्स में। और डेनिम की ड्रेसेस भी बहुत ही क्यूट क्यूट थी, काफ़ी अच्छी अफोर्डेबल प्राइस में। और आपको पूरा आप एक ही लेन में सब कुछ मिलेगा, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। टी शर्ट ड्रेसेस या फिर आपको जो भी चाहिए होगा, मिनी ड्रेसेस ट्राउजर्स, एक लाइन से आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब आपको चीज़ें जो है वो अलग अलग कॉर्नर में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। जीन्स के साथ साथ इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको वाइट का कॉर्नर मिलेगा, जो कि बहुत ही प्यारा लगा मुझे। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी, अलग अलग फैब्रिक थे और शर्ट्स के ऑप्शंस थे, टी शर्ट्स थी, ड्रेसेस थी, बहुत ही क्यूट क्यूट 150-200 की रेंज में बहुत प्यारे सेट थे। प्लस स्लीपर्स की भी काफ़ी नए वैरायटीज़ मार्केट में आई हुई, आप जाके देख सकते हैं 200-200 रुपीज़ की सेल में। वन पीस ड्रेसेस, स्कर्ट्स, उसकी भी काफ़ी सारी नई वैरायटी, नए स्टाइल और बिल्कुल अलग फैब्रिक, बिल्कुल कंफर्टेबल फैब्रिक में मिल जाएगा। प्लस अगर आपको बच्चों के लिए कैप या आपके लिए कैप या बकेट हैट चाहिए 200 की, उसकी भी सेल लगी हुई थी। जैसे मैंने कहा, ईद का माहौल और इयररिंग्स, झुमका, इन सब के बिना ईद अधूरी है। बहुत ही सुंदर सुंदर झुमका की सेल लगी हुई थी 100 में। प्लस वन पीस ड्रेसेस की अगर मैं बात करूँ 200 की, इस तरीके की कॉटन की वन पीस ड्रेसेस की भी सेल लगी थी। भैया देना, भैया क्या देना, भैया पनीर मोमोज। सरोजनी में आया, यहाँ पे खाने वालों से लड़ रही है। देखो तीन लोगों से लड़ गया। मैं इसके साथ ना आऊंगी तो एक मतलब वन हैंड डिस्टेंस रखा यार, तरह अब जाके हम लोग को कुछ मिला खाने, जान आ गई सब गर्मी। बाल बाल बांध लिए हमने, खाते खाते हमारी हालत ऐसी हो गई, मैंगो शेक रही। अब हम कितना खाए हैं, कोल्ड कॉफी, बंटा पिया, मैंगो शेक लिया, डोसा लिया, एक पनीर मोमोज, अब ये तीन मोमोज हमसे खाए नहीं जा रहे। वेज मोमोज लिया, ये वेज मोमोज, मतलब कितना खाइए तो आज मैंने खाया। अब सांस नहीं ली जा रही हम पे, बिल्कुल भी सांस नहीं ली जा रही है। और लाजपत भी जाने वाले थे। एनी सरोजनी का है कॉस्मेटिक कॉर्नर, जहाँ पे आपको नेल रिमूवर, नेल पेंट, आई शेडो, सारे ही कॉस्मेटिक आइटम मिलेंगे 50 और 100 रुपीज़ की सेल में। इनके साथ साथ अगर आप स्लिंग बैग या हैंड बैग और बैकपैक देख रहे हैं तो सरोजनी में उसके भी काफ़ी सारे नए कलेक्शन आए हुए हैं बहुत अच्छे सेल प्राइस में। एज वी ऑल नो, सरोजनी एक कम्प्लीट फैमिली मार्केट है, जहाँ पे आपको बड़ों के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे ही यहाँ पे सॉफ्ट टॉय की भी सेल लगी रहती है, और बच्चों के लिए आप 50-50 रुपीज़ में यहाँ पे सनग्लासेस ले सकते हैं। प्लस आपको इस तरीके की लोकल वॉचेज भी मिल जाएंगी 50 और 100 की रेंज में। बैकपैक की बात करें तो सरोजनी में आपको बैकपैक के भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, हैंड बैग, बैकपैक 200 की रेंज में। बता बता कुछ हुआ है इसको, ये बता नहीं, पता ऐसी हालत हो गई है हम लोगों की। इतना खाया यार हम लोगों ने, मतलब आज का रिकॉर्ड बन गया खाने का। देखो मेरा क्या बोल रहा है, जाग रहा है, कह रहा मुझे बाहर आने दो प्लीज। घर जाएगा फिर उसके बाद बाहर आएगा, बहुत खाया, थक गए, पैर ऐसे टूट रहे हैं। आज हम लोगों ने सोचा दो मार्केट जाएंगे, पर हर बार हम दो मार्केट सोचते हैं, एक में इतना टाइम लग जाता है, वो भी पता पूरा नहीं घूम पाते हम एक में ही, एक में एक तो लेट हो जाते हैं इसकी वजह से, और फिर उसके बाद देखो मच इसको ना हर जगह ये आ जाता है, यही होता है ना। ठीक है, लेट हो जाते हैं, फिर लेट होने के बाद फिर हम लोग मार्केट में गए, शॉपिंग तो बहुत सारी करी है हमने, एक के अंदर एक के अंदर एक कर दिया चीज़ें, इसने भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी। आज इसने बच्चों के लिए ज़्यादा शॉप किया है, दिखाएंगे हम आपको हमने क्या क्या शॉप किया है। इसके इसके पास ज़्यादा क्लिप्स इसके चैनल पे इसलिए नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसका फ़ोन बीच में धोखा दे गया इसको, और धोखेबाज फोन लेके घूम रही थी, पर घर जाके ये रात को ये मूवी देख के आया, चार्ज ही नहीं कर पाया फ़ोन देखकर। उसके बाद इसको फ़ोन चार्ज पर लगाने का टाइम मिला, सुबह 10 बजे उठ गई थी, घर से 12:30 बजे निकले, 2.5 घंटे इसको फ़ोन चार्ज करने का टाइम मिला। वो लेके दोनों घूमते रहते ना, समझ सकते, ये लोग वो समझ सकते जिनके बच्चे हैं घर में, फ़ोन करने की दिक्कत, कितना उबासियाँ आ रही है। देखते हैं उसके बाद हमें, अब हम लोग यहाँ पे सरोजनी के मेट्रो लेके अब यहाँ से लाजपत नगर जाएंगे। लाजपत से मैं देखती हूँ मैं सरताजार से जाऊँगी या फिर मैं कालका जी से जाऊँगी, इट डिपेंड्स। रितु और मैं अलग अलग हो गए, मैं यहाँ पे
मैं कालकाजी वाली मेट्रो लेके मजेंटा लाइन से सीधा जाऊंगी, फिर वहाँ से ऑटो लेके फिर घर। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, फ़ोन में बैटरी भी काफ़ी कम। सो गाइस फाइनली मैं घर वापस आ चुकी हूँ, मैंने चेंज वगैरह सब कुछ कर लिया है, बस अभी मैंने अपना स्किन केयर रूटीन जो है वो नहीं किया जो मैं नाइट में करती हूँ, बस हेयर को ऐसे टाई कर लिया है। और यहाँ पे जो सबको ये चीज़ें फैली पड़ी है जो भी मैं सरोजनी से लेके आई, बहुत थोड़ी बहुत चीज़ लेके आई हूँ, तो वही ऐसे मैंने फैली। अभी आपको हर स्टाइल ड्रेस हो गई आपकी, वन पीस हो गई, टॉप हो गया, ऑफ शोल्डर, स्लीवलेस, कुछ भी आप लो व्हाइट में, एक से एक वैरायटी, एक से एक स्टाइल। व्हाइट पे दिल आ गया था। तो यहाँ पे मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन भी हो गया है, तो मैं अब चल रही हूँ सोने। तो होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज सीएम ब्लॉग। सी यू सून, बाय, लव यू ऑल।